स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि पबजी गेम को इस देश ने कर दिया है बैन। जी हां, जानेंगे इस खबर के बारे में, आखिर भारत में भी होगा या नहीं। इसी के साथ दोस्तों छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सरकार ने बदल दिया है नियम। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों राम मंदिर पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इस दिन शुरू होगा मंदिर निर्माण का कार्य। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों बिजली का बिल नहीं भरने वालों को सरकार ने दी है बड़ी राहत। जी अब क्या मिलेगा फायदा, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों पुलिस वालों की ड्यूटी पर सरकार ने कर दिया है बड़े नियम में बदलाव। जी हां, अब मिलेगी यह सुविधा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 5 अगस्त को अयोध्या में शुरू होगा भूमि पूजन, राम मंदिर का निर्माण होगा शुरू। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। बता दें कि अयोध्या में आज होने वाली राम मंदिर निर्माण तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं बता दें कि अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। ट्रस्ट की बैठक में 15 ट्रस्टियों में से 12 ट्रस्टी अयोध्या की बैठक में मौजूद रहेगी जबकि 3 ट्रस्टी ऑनलाइन बैठक में भाग लेंगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, बिजली बकायेदारों से मिली बड़ी राहत, जानिए किसे होगा फायदा। जी दोस्तों, बिजली निगम की आसान जमा किस्त योजना में पंजीकरण कराने वाले मंडल के 1.57 लाख बकायेदारों को पावर कॉरपोरेशन ने बड़ी राहत दी है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाने वाले 70,000 बकायेदारों को कॉरपोरेशन ने एक और बड़ा मौका दिया है। बता दें कि मार्च 2020 से जून माह के दौरान किस्त जमा नहीं कराने वाले पंजीकृत बकायेदार अपने किस्त का भुगतान जुलाई में करके योजना का लाभ ले सकते हैं। दरअसल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में उनकी किस्तों की तिथि दिसंबर तक खुद ही बढ़ा दी है। वहीं लॉकडाउन के दौरान किस्त न चुकाने वाले बकायेदार डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं रहेंगे। वहीं पावर कॉरपोरेशन ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी झेल रहे बकायेदारों की दिक्कतों के मद्देनजर ऐसा फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, बीजेपी ने सुरजेवाला सहित कई कांग्रेस नेताओं पर दर्ज कराई शिकायत। जी दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े कथित ऑडियो से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोड़ने पर भाजपा ने जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, लोकेश शर्मा आदि के खिलाफ साजिश कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस नेता महेश जोशी, रणदीप सुरजेवाला और आदि बीते कुछ दिनों से बीजेपी की छवि खराब करने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि भाजपा की छवि खराब करने के लिए अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री निवास से साजिश रचते हुए फेक वीडियो तैयार किया गया था जिसमें भाजपा के प्रतिष्ठित नेताओं की आवाज होना बताते हुए झूठा फोन वार्तालाप जारी किया गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, 8 घंटे होगी पुलिस वालों की ड्यूटी, साप्ताहिक ड्यूटी में मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम जिले के पुलिस कर्मियों को निर्धारित घंटों की ड्यूटी से निजात मिल गई है। दरअसल पुलिस वालों को अब 8 घंटे ड्यूटी होगी, उनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी निर्धारित की गई है। यही नहीं, PCR राइडर्स एवं नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा। नई व्यवस्था बृहस्पतिवार से लागू कर दी गई है, ये जानकारी पुलिस आयुक्त KK राव ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने बताया कि PCR राइडर्स और नाकों के लिए शिफ्ट के हिसाब से 2500 पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इन सभी की ड्यूटी अब थानों से नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय से तय होगी, वहीं पहले ड्यूटी थाना स्तर पर तय की जाती थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, COVID-19 रोगियों के सही होने की सर्वश्रेष्ठ दर वाले देशों में शामिल है भारत, PM मोदी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में डिजिटल संबोधन में कहा, भारत में हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई को सरकार तथा समाज के प्रयासों को मिलकर जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, ऐश्वर्या राय को भी किया गया नानावटी अस्पताल में भर्ती, पहले हुई थी होम क्वारंटीन।
जी दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के करीब एक सप्ताह बाद अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को यहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। उसमें से एक दिन पहले ऐश्वर्या के ससुर और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस्लाम विरोधी होने के आरोप लगा इमरान खान ने पबजी को किया बैन। जी दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अति लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस गेम पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। सरकार ने इस गेम को स्वास्थ्य को खराब कराने वाला बताया और कहा कि एक बुरी लत है। वहीं सरकार ने कहा कि इस खेल की लत लगने से युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक अर्थों में प्रभावित हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। IIT में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंक जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के BTEC प्रोग्राम में दाखिले की योग्यता JEE एडवांस क्वालिफाइड और सिर्फ 12वीं पास होगी। वहीं कोरोना महामारी के चलते IIT की ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड में शैक्षणिक सत्र 2020 के दाखिले नियमों में बदलाव किया है। इस साल 12वीं की कक्षा में मेरिट के अनिवार्य नियम को हटाया जा रहा है। अभी तक मेरिट नियम के तहत IIT में दाखिले के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% अंक या क्वालिफाइड करने वाली परीक्षा की रैंकिंग में टॉप 20% होना जरूरी था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ओली और प्रचंड में सुलह कराने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने आज बुलाई अहम बैठक। जी दोस्तों, नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच चल रही खींचतान का अंत करने के लिए शनिवार को यानी आज अहम बैठक की जाएगी। पार्टी द्वारा स्थायी समिति की बैठक को 5वीं बार रविवार तक के लिए स्थगित करने के लिए कुछ घंटे बाद ही 9 सदस्यीय केंद्रीय सचिवालय की बैठक कराने का निर्णय किया गया है। वहीं ओली और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड की अगुवाई वाले असंतुष्ट गुट को बातचीत के लिए और समय देने के वास्ते ये निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया बड़ा झटका, 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग का ठेका रोका। जी दोस्तों, सीमा पर तनाव कम हो जाने के बाद भी सरकार ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास जारी रखा है। शुक्रवार को रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों ने खराब प्रगति के कारण चीनी फर्म के सिग्नलिंग और दूर संचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों की बोली रद्द की गई थी। यह ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों को वहां के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया। अब यह ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। यह ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 खंडों के लिए दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। वहीं उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था। वहीं मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, भारत में कम हुई गरीबी, इतने सालों में देश ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। जी दोस्तों, भारत में 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी गरीबी स्तर काफी नीचे कमी आई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजधानी दिल्ली समेत मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है और पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के लिए 19 से 21 जुलाई तक रेड वार्निंग जारी की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए 19 से 20 जुलाई तक रेड वार्निंग और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि संभावित वर्षा से असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है, जहां 33 में से 27 जिलों में 39.8 लाख से अधिक लोग बृहस्पतिवार को बाढ़ से बेहाल थे। बता दें कि इस साल राज्य में बाढ़ और
भूस्खलन से अब तक 102 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।